अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धोराजी पर पहुंच चुका हूं और धोराजी पर जो है ना आज हम बनाएंगे धोराजी की फूड स्ट्रीट। क्या हिसाब है ये, किसका ये? हाँ जी उस्ताद जी, क्या हिसाब है, क्या चाहिए, क्या किलो है? 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो। तो बताओ ना, डर क्यों रहे हो? तो केले किसके हैं? 200 रुपए दर्जन है केला। थोड़ा जी के अंदर इस वक्त जो है ना मौजूद है शतूत है। किस हिसाब है? 1000 रुपए किलो। क्यों इतना महंगा? क्यों महंगा है शतूत? क्या हिसाब है? 120 दफा है। तो तू किसे कह रहे हो 1000 रुपए किलो? अंदाजे ना दस्या। आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल देखेंगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट का था, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट होता है और आगे बिल्कुल जो सामने आपको गोलागंडा वाले बैठे हुए हैं वहां पर भी जो है ना जाएंगे, वहां की सूरत हाल भी देखते हैं। धोराजी की स्ट्रीट के ऊपर जो है ना देखें, ये आ गई वो स्ट्रीट जहां पर आपको पकोड़े समोसे रोल वगैरह ये सब मिलेंगे। ये देखें अभी हम जाते हैं, पकोड़े समोसों के रेट लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या यहाँ की क्या सूरत हाल है। अवतार बॉक्स किधर है? दिखाओ अवतार बॉक्स। क्या क्या इसमें? हाँ बनाओ जरा, क्या क्या है? अवतार बॉक्स बन रहा है, ये कितने का? ये 200 का है। 200 बनाओ। ये अवतार बॉक्स बन रहा है धोराजी के अंदर 200 रुपए का। देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने डाला है। एक रोल डाला है, एक समोसा डाला है और जूस डाला है, एक केला है और एक कीमे वाला है। ये कीमे वाला पकौड़े भी डालेंगे। ये पकौड़े डले हैं जबरदस्त गरम गरम, ठीक है। और क्या ये? दो खजूरें हैं, ठीक है। बस 200 रुपए का, ठीक है। दोस्तों ये सही है, इतना वो नहीं है, महंगा नहीं है, क्योंकि इलाका भी ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा जो है ना महंगा इलाका है, महंगे महंगे घर होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना इनको ऐसी ही चीजें मिलती हैं। साफ सुथरी तो है लेकिन क्या नाम है उसका, अब प्राइस तो हर जगह पे अलग अलग होते हैं। छोटे इलाकों में थोड़े कम प्राइस होते हैं, अब वो किस तरह तलते हैं किस तरह नहीं तलते हैं। अच्छा और क्या क्या है आपके पास? आलू का समोसा, चिकन वेजिटेबल रोल है। अच्छा और आलू का समोसा पैसे बताते हो? 30 रुपए और ये 40 रुपए वेजिटेबल रोल, और ये स्टिक है 80 रुपए की है, ये 50 रुपए की है, ये 50 रुपए का है, ये भी 50 रुपए। इसको बोलते क्या है? इसको डी समोसा ही बोलते हैं। डी समोसा बोलते हैं वो, एक वो भी होता है ना वन बाइट समोसा, क्या होता है उसको? वो हमारे पास वो नहीं है। जलेबी क्या हिसाब है? जलेबी 220 का आधा किलो। यार उस्ताद जी आ जाओ, उस्ताद जी की हाल है, खैर है? ऐ जरा दसो जरा की हिसाब है। हैं किन्ने का है? शेठ अस्सलाम वालेकुम। शेठ क्या ले? शेठ वो प्राइस नहीं बता रहे, प्राइस नहीं बता रहे समोसे पकोड़े उसकी ना। ये वो जो खड़ा हुआ कोने पे वो बगैर वर्दी वाला, बोलो प्राइस बताए।
कोई प्राइस बताए यार, क्या हो गया? ये बम्बई वाले हैं, ये प्राइस बता नहीं रहे। पता नहीं किस वजह से जो है ना ये प्राइस नहीं बता रहे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जो जो शख्स जो है ना सही ईमानदारी से काम कर रहा होता है वो किसी चीज से नहीं डरता। जो शख्स बेईमानी से काम कर रहा होता है वो डरता है प्राइस बताने से भी, और उनकी कीमतें बताने से भी, और बात करने से भी डरता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है सर? क्या कैसा है ये कचौरी? कचौरी 30 रुपए की। 30 रुपए की, जबरदस्त। अच्छा बस कचौरी, और क्या क्या होता है? हलवा पूड़ी, फास्ट फूड, और जबरदस्त जबरदस्त। वैसे इस वक्त हम लोग खड़े किधर हैं? दोराजी में। कौन सी जगह पे? ये सुबैदा अस्पताल के बराबर। सुबैदा अस्पताल के बराबर में, ये सामने सुबैदा अस्पताल है, इसके बिल्कुल बराबर में दिल्ली फेमस कबाब पराठा फास्ट फूड। हाय 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 हाय, वो एक एक छोड़ना पे कठिया। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, और तो ये धोराजी की फूड स्ट्रीट जो है ना वहाँ से स्टार्ट होती है, और आगे जो गोले गंडे वाले हैं वहाँ तक जाना जाती है, और गोले गंडे वाले तक की जो ना हम वहाँ तक भी जाएंगे। सर ये रोल के क्या प्राइस चल रहे हैं? ये रोल क्या हिसाब है? ये जो ये वाला पड़ा हुआ है, वो वाला दूसरा, दोनों के? ये जो है सब्जी वाला 35 का है। और समोसा? समोसा कीमे का जो है ना 35 के 40 का है। आलू वाला 35 का, चिकन डी 45 का। सही है। पकोड़े कैसा है? बस पकोड़े 150 रुपए पाओ, 600 रुपए किलो। ये क्या चीज़ है? ये चिकन कचौरी है, 90 रुपए की, ओरिजिनल है, जबरदस्त। धोराजी फूड स्ट्रीट है ये, और आगे गोला गंडा वाले हैं वहां, थोड़ा सा देखेंगे। ये थोड़ा सा रश जो है ना यहाँ पे भी लगा हुआ है। क्या चीज है ये? ये दही बड़े, चाट, खट्टे आलू, बड़ी छोले। अच्छा क्या हिसाब है ये? 200 200 का है। और ये भी आपका है? क्या क्या ये? अरबी पराठा है, रोल है, कीमा है। ये अरबी पराठा कितने का है? 200 रुपए का, जबरदस्त। हाँ भाई, हाँ क्या हिसाब है भाई? 25 रुपए की है, 300 की बार है, जबरदस्त। क्या बात हो? ओहो साजी, क्या चीज है ये? मलाई माल, वाह मालपुरा मलाई वाला, जबरदस्त। कितने का है?
100 रुपए का एक है। अच्छा इसके साथ वो चटनी भी होती है ना, यहाँ सादा होता है ये वाला। अच्छा मलाई के साथ होता है, जबरदस्त। यहाँ पर भी मलाई। अच्छा इसके साथ चटनी है ये रही। क्या हिसाब है ये, कितने का है? 100 रुपए का, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम है सर। क्या क्या चीज है हमारे पास? गोला गंडा, चाट, समोसे। अरे गोला गंडा किधर है मुझे बताओ? गोला गंडा अभी बंद है, मगरिब के बाद खुलेगा। खट्टे आलू है, कड़ी वाले छोले, चाट है, दही भरे, जबरदस्त पूरा। ये खट्टे आलू के पैकेट कितने का? ये 200 का, जबरदस्त यार। और ये क्या चीज है? कड़ी छोले भाई, कड़ी छोला, जबरदस्त जबरदस्त। ये चाट है, ये चाट है, ये दही बड़े भाई, ये दही बड़े, हाँ हाँ मजेदार। 200 जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये अभी अगर हम रोजे के बाद आए, कितने बजे यहाँ के गोले गंडे भी चल रहे होते हैं? तकरीबन 8-9 बजे, 8 बजे तक ना। तो दोस्तों रात का एक 8 बजे तक भी जो है ना हम लोग यहाँ पर चक्कर लगाएंगे। और अंकल अंकल चाट एंड गोला कॉर्नर, गोला गोले से मुराद बम। बाकी सब रोएंगे और बंस रोड के मशहूर बन कबाब, ये है यहाँ पर धोराजी के अंदर बंस रोड का नाम लिखा हुआ है, बेस्ट ऑफ धोराजी, बेस्ट ऑफ धोराजी के नाम से। हाँ चार्ट लिखा हुआ है, जबरदस्त। अबे जबरदस्त आलू यार, क्या हिसाब है ये? 500 रुपए नहीं नहीं ये आलू को बोल रहा हूँ। अच्छा आलू मिक्स वाला बोल रहे हो, जबरदस्त। चटनियां भी बड़ी प्यारी नजर आ रही है यार, बेहतरीन। हमारे बाल उजड़ गए मोटरसाइकिल चला चला के। अभी अभी गोला गंडा वाली जो है ना साइड पर आ चुका हूँ। जैसे ये दिल पसंद गोला आ गया, आइसक्रीम गोला और ये सब कुछ, तो यहीं से करेंगे वीडियो का एंड। थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे और कौन कौन सी यहाँ पर काफी सारे नजर आ रहे ठेले खड़े हुए। क्या हिसाब है गोलगप्पे, क्या हिसाब है? 200 रुपए, कितने? 12, जबरदस्त। और ये चाट वाक, चाट क्या हिसाब है? 200, चाट भी 200। 200 रुपए की चाट है, 200 रुपए की ये मेरे बाल बिगड़ गए हैं, 200 रुपए की चाट है और 200 रुपए की जो है ना वो गोलगप्पे हैं जिसमें 12 आते हैं। और आगे चलेंगे, आगे भी थोड़ा सा रश लगा हुआ है, फिर उसके बाद करेंगे वीडियो का एंड। और ये कितने का पराठा? ये 200 रुपए का अरबी पराठा है, अरबी पराठा 200 रुपए का। यहाँ पर दोस्तों दौराजी की तरफ जहाँ पर दुकान कराए पर खाली भी लिखा हुआ है। आगे चले हैं, दूर से आए इस पराठे के लिए और बनारस से आए। वाकई बनारस से? बनारस से यहाँ पर आए हो? यहाँ पर आए। जबरदस्त यार। एंड करते हैं वीडियो, चलते हैं। अभी सूरज थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है, धूप, ये बिल्डिंग के ऊपर देखें थोड़ा सा सूरज नजर आ रहा है। यहाँ पे ये धोराजी वाला वीडियो का करते हैं एंड। और इस पट्टी से जाकर, इस वाली पट्टी से जाकर आगे जो है ना वो जो क्या नाम है उसका, ये जो एरिया है रंगून वाला हाल आता है यहाँ से ना, यहाँ से जाके हम कोई और भी एरिया है जहाँ पर जो है ना कौन सा बोल रहा था यार, टीपू सुल्तान वाला,
उस एरिया में जाते हैं और फिर बनाते हैं वीडियो, यहाँ पे करते हैं वीडियो कैंड। अल्लाह हाफिज़।